जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एमपीएस इंफोटेक्निक्स लिमिटेड को, जिसको हम लोग एक दूसरे नाम विशेष इंफोटेक्निक्स के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली दो नाम है, विशेष इंफोटेक्निक्स एंड एमपीएस इंफोटेक, एक ही कंपनी है, नाम अलग अलग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंपनी का जो शेयर प्राइस है, कब इसमें अच्छी खासी तेजी आएगी, जो कई सालों से हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस स्टॉक में तेजी आएगी और आएगी भी कि नहीं, इसके बारे में खुलकर बात होगी इस चैनल पर। चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। बीएसई की वेबसाइट पर जो आप देखेंगे विशेष इंफोटेक्निक्स लिमिटेड को, यानी कि एमपीएस इंफोटेक को, तो आप देखेंगे ये स्टॉक भी ईएसएमई कैटेगरी में है। हालांकि ये स्टॉक लोअर सर्किट या अपर सर्किट से दूर है। लोअर अपर सर्किट तो फिर भी बढ़िया चीज होता है, लोअर सर्किट नहीं लगना चाहिए। और लोअर सर्किट नहीं लगा है, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी अभी ईएसएम स्टेज में है, ये अब ईएसएम स्टेज से भी बाहर हो जाएगी। और कोई भी स्टॉक जब ईएसएम और जीएसएम कैटेगरी में नहीं होता, तब उसमें असली तेजी आती है और प्राइस धाएं ऊपर की तरफ जाता है। तो लोअर सर्किट नहीं है, इसका मतलब हो सकता है कि मंडे के दिन जब मार्केट ओपन हो अगले ट्रेडिंग सेशन में, तो आपको से स्टॉक बाहर निकलते हुए दिखे। और एक बार स्टॉक से बाहर निकल गया तो फिर तेजी आने से इसको कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं विशेष इंफोटेक्निक्स लिमिटेड को यहाँ पे डिटेल में। देखिए जो नए व्यक्ति हैं, यदि कुछ लोग आते हैं समय समय पर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या कोई पुराना व्यक्ति भी जिसका पहले से इनका इसमें इन्वेस्टमेंट है, उनको ये समझना चाहिए कि जो कंपनी काम करती है बेसिकली आईटी से रिलेटेड एंड थोड़े बहुत इस कंपनी के जो काम है वो टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर से भी है। हालांकि टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में जो कंपनी काम करती है उससे मेजर रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता है। इस कंपनी की जो मेन कमाई होती है वो होती है आपको आईटी से संबंधित ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है, जो आईटी से रिलेटेड बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उनको जो अपनी सेवाएं देती हैं उससे। और इसी बिजनेस से कह सकते हैं कि इस कंपनी का मतलब जो कंपनी चल रही है उसी बिजनेस के बदौलत चल रही है, उससे जो रेवेन्यू आ रहा है उसी बदौलत चल रही है। बाकी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो है ये मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये बिजनेस जो इसका कमाई होता है वो नहीं जोड़ा जाता है। अब काम के हिसाब से देखें तो कंपनी का जो वर्क है वो काफी बढ़िया है और वर्क के बेसिस पे लंबी अवधि में इसमें तेजी बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी तेजी। अब देखें जो कमाने वाले हो तो इसी मोमेंट में कमा के निकल भी जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑपरेटर्स होते हैं बड़े अमाउंट लगाते हैं, मैं चार्ट पर बताऊंगा और एकदम थोड़े थोड़े पॉइंट को कैप्चर करके बाहर निकल जाते हैं। हम लोग है रिटेल ट्रेडर, समय चाहिए कि हम कम अमाउंट बाई कर रहे हैं तो इसमें हमें फिर ज्यादा समय देना होगा, तो ज्यादा समय देने के लिए आपको इसमें वेट भी करना पड़ेगा और हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में जब सोचेंगे तब आपका असली वेल्थ क्रिएट होगा। तो जैसे मैंने बताया कि विशेष इंफोटेक्निक्स लिमिटेड जो कंपनी है जो काम करती है, काम के बेसिस पर लंबी अवधि में तेजी रहेगी और जो फंडामेंटल है वह भी ठीक है, क्योंकि सामान्यतः यदि पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो मार्केट कैप है 100 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। यहाँ पर मार्केट कैप तकरीबन 200 करोड़ के आसपास का, ये बहुत बढ़िया चीज है। हालांकि ये स्टॉक पी नहीं दिखेगा क्योंकि पेनी स्टॉक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग चार्ट पर लेवल देखेंगे वहां पे डिसाइड करेंगे कहां पे क्या करना है। स्टॉक का जो शेयर प्राइस है वो बुक वैल्यू से कम है, ये एक चिंता की बात है। और दूसरी चिंता की बात है कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको माइनस में है, दो चीज यहाँ पे नेगेटिव है, ये प्लस में होना जरूरी है। और जो शेयर प्राइस होता है हमेशा कंपनी के बुक वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्टॉक का प्राइस अभी भी नीचे की तरफ ही लुढ़का हुआ है। लुढ़का हुआ है मतलब ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 45 पैसा का, इसी के आसपास है और 45 से 50 पैसा के बीच में आपको स्टॉक आपको कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा। अब आपको करना क्या होगा कि इस प्राइस को, इस जो स्टॉक है इसको आराम से 50 पैसे से ऊपर इसको निकलना जरूरी है और निकलेगा जरूर। जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन में होता है तो उसमें एक अचानक से स्पाइक लगता है, जैसे यहाँ पे देखिए कि स्पाइक लगा, जितना भी लॉस हुआ था सभी लॉसेज लोगों को रिकवर हो गए। तो आपको इसमें अभी इन्वेस्टमेंट है, अभी आप इसमें बने हुए, तो बेशक समय दीजिएगा तो आपके जो भी यदि लॉसेज हो रहे होंगे या लॉस प्रॉफिट में आना भी चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट भी करना चाहते हैं इस स्टॉक से तो हो जाएगा, क्योंकि जब भी इससे बाहर निकलेगा इस ट्रेंड से तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नहीं जाएगा, कम से कम यहाँ पे 85 से 90 पैसा के आसपास तक आएगा, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है वहां तक प्राइस आता है। या टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ज्ञान की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो आप इसमें रेंज बाउंड में जब तक है बने रहिए। निकलना चाहते हैं तो प्राइस इस रेंज से बाहर नीचे की तरफ निकलेगा तब निकलिएगा, अभी जब तक रेंज में मत निकलिए। हालांकि नीचे नहीं आएगा, प्राइस को ऊपर जाने की ही उम्मीद है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंपनी के काम है, काम तो बढ़िया है और प्लस टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो भी मैंने आपको बताया। और फंडामेंटल में और भी दूसरी चीजें होती है जिसको हमें जब आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो उसको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो चलिए उस चीजों को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करें तो आप बैलेंस शीट में देखेंगे कंपनी के पास जो टोटल डेप्ट है वो डेप्ट है 28 लाख के आसपास, और पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी का डेप्ट बढ़ा है जबकि कंपनी का जो कर्जा है वो कम होना चाहिए। और कंपनी का जो रिजर्व पैसा होता है, जो फ्री कैश फ्लो होता है, वो देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में आपको कम होते हुए दिखे। हालांकि ये निगेटिव बात है, जो कर्ज जो फ्री कैश फ्लो है, जो कैश पैसा है वो बढ़ना चाहिए था और कंपनी का कर्जा कम होना चाहिए, तो ये एक नेगेटिव बात है। हालांकि फंडामेंटल में शुरू में भी हम लोगों ने देखा कि थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अभी माइनस में है। इसके अलावा जो कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर आ रहे हैं यदि वो अभी देखें तो क्वार्टर्स के नंबर भी कुछ बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो कंपनी का अफसेल्स देखते हैं तो वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले दिसंबर क्वार्टर में कम हुआ है, जिस वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पहले भी लॉस में था, इस बार थोड़ा और ज्यादा लॉस में हो गया है।
तो ये जब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी, सबसे मैंने कि जो क्वार्टर्स रिजल्ट आ रहे हो कुछ क्वार्टर्स तक अच्छे आए, और अच्छे आएंगे तब ये सेल्स और प्रॉफिट होगा। जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का पैसा आएगा, तो इस प्रॉफिट के पैसे को कंपनी अपने जो डेब्ट है उसको चुकाने में लगाएगी। डेब्ट फ्री जब कंपनी हो जाएगी, डेब्ट फ्री होने के बाद कंपनी मेन रूप से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए, जब बिजनेस एक्सपेंड होता है तब कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आती है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए, जो चार्ट पर बातें मैंने आपको बताई है उस पर ध्यान रखिए, लेवल के हिसाब से काम कीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा। इससे रिलेटेड मन में कोई और सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।